अब तो हम हाथ हाथ लिख रहे हैं। ओके, आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ें इसके बारे में। ये हमने लिख दिया था। ओके, ठीक है ठीक है, आगे पढ़ें थोड़ा और। ओके, देखिए, अभी हमने जो सीरीज प्रिंट कराई थी, अगर आप देखने हैं कि हमने एक सीरीज प्रिंट करी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमें एक इस तरह की सीरीज चाहिए कि अब हमें एक ये वाली सीरीज बनानी है, तो कौन सी रिवर्स ऑर्डर में सीरीज बनानी है? तो देखो, रिवर्स ऑर्डर में अगर आपको सीरीज बनानी है तो कैसे बनाएंगे इसको? तो रिवर्स ऑर्डर में सीरीज बनाने के लिए जैसे मुझे क्या चाहिए, 10 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसका मतलब जो लूप चला था, आप देखिए लूप को हम कहां से किस तरह से चलाते हैं। सबसे पहले यही चीज हमें इम्पोर्टेंट है समझना कि लूप को हमें चलाना कहाँ से है, उसको एंड कहाँ पे करना है, और उसको मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट क्या लगाना। देखिए, सबसे पहले डिजिट क्या प्रिंट हो रही है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं 10, टेन, और लास्ट वाली डिजिट कहाँ तक प्रिंट हो रही है, 1, वन। तो इसका मतलब हो गया लास्ट फर्स्ट वाली डिजिट को लास्ट वाली डिजिट से कंपेयर करेंगे आप। जैसे हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 10 ले देता हूँ और मैं यहाँ पे वाइल में टाइप करता हूँ, वाइल मैंने बोला एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू 10 है, ओके, 10 इज ग्रेटर देन 1, क्या 10 बड़ा है 1 से? ओके, जी तो 10 बड़ा है 1 से, तो पहले 10 ही प्रिंट कर दें। 10 को प्रिंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रिंट आउट, और प्रिंट आउट में हम क्या लगा देंगे, आपको पता है परसेंट डी डबल कोट कॉमा एक्स, इसको सेमी कोलन, ठीक है। अब अगर आप देखिए 10 ग्रेटर देन है 1 से, 10 हमारा प्रिंट हो चुका है, 10 के बाद क्या चाहिए आपको? 11। नहीं भाई, मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है ना, 10 के बाद देखिए कौन सा नंबर प्रिंट है, यहाँ हाँ, पे देखिए नाइन नाइन 9। तो अगर 10 में हम ऐसा क्या करें कि 10 के बाद एक माइनस हो जाए, एक कम हो जाए, तो एक्स प्लस प्लस करेंगे, एक्स माइनस माइनस, एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस माइनस होके यहाँ पे अब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी ना। अब ऊपर जाके चेक होगा क्या 9 ग्रेटर है 1 से, 9 प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो गया 9। ओके, जब 9 प्रिंट होगा फिर एक्स की वैल्यू में से एक और माइनस हो जाएगा, तो 9 सब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एट फिर ऊपर जाके चेक होगा 8 ग्रेटर देन 1, नाइन हाँ, यस यस ग्रेटर यस देन 1 है ना, तो दोबारा से आपका 8 प्रिंट हो जाएगा। और जब 8 प्रिंट होने के बाद में फिर 8 में से एक्स माइनस माइनस हो गया, अब एक्स की वैल्यू कितना हो गया, 7। एक मिनट, सॉरी, ओके, ठीक कोई नहीं, अब देखिए हम इसका कोड समझते हैं, कोड में अच्छे से समझ आएगा। example4.c हैश include स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइड मेन बॉडी, इंटीजर टाइप के अंदर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया एक्स, और एक्स की वैल्यू साइन हमने यहाँ पे 10 कर दिया। फिर हमने यहाँ पे वाइल ले यूज किया, वाइल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वा बॉडी, प्रिंट परसेंट डी स्लेस एन एक्स एक्स माइनस माइनस। अब देखिए
यहाँ पे देखो फिलहाल एक्स कितना है फिलहाल यहाँ पे 10। 10। उसने यहाँ पे चेक करा क्या 10 ग्रेटर देन है 1 से, जी तो एक्स की वैल्यू फिलहाल 10 ही है ना, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 10 है ना, यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू हमने जी कहाँ से इनपुट किया था, कहाँ से इनिशियलाइजेशन किया था, 10 से किया था। जी जी क्या 10 ग्रेटर है 1 से? ओके, ग्रेटर तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट 10 हो जाएगी। जी ओके, जब 10 प्रिंट हो जाएगी तो यहाँ पे देखो एक्स माइनस माइनस लगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगी डिक्रीमेंट होगी, बताइए आप मुझे। डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो जब एक्स की वैल्यू 10 थी तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 या 9? 9 9।9 एक्स की वैल्यू फिलहाल क्या हो चुकी, 9 हो गई।3 इसके बाद, इस लाइन के बाद कोई स्टेटमेंट है नहीं ना,9 ऊपर जाके चेक होगा। अब एक्स यहाँ पे कितना है, 10 है कि 9 है? 9 है यस 9। 9 ग्रेटर है 1 से? ओके, तो अब एक्स की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 9, क्योंकि 9 हो चुका था। अब 9 से फिर दोबारा वो नीचे आया, फिर उसने यहाँ पे एक्स माइनस माइनस कर दिया, तो 9 से कितनी हो जानी चाहिए वैल्यू, 8। 8 8, 8 ऊपर जाके चेक हो, क्या 8 ग्रेटर है 1 से? 8 ग्रेटर है 1 से? ओके, जी ग्रेटर है तो एक्स की वैल्यू अब कितनी प्रिंट होगी, एक्स की 8 8। ओके, अब यहाँ फिर दोबारा से आएगा इस लाइन में, फिर माइनस कर देगा, तो 8 से कितना हो जाएगा, 7 7। 7 ग्रेटर है 1 से? ओके, जी तो क्या प्रिंट होगा, 7 7। फिर यहाँ पे आया, फिर माइनस होके कितना हो जाएगा, 6। जी 6 ग्रेटर है 1 से? तो जी ग्रेटर है यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 6। 6 फिर यहाँ पे आया, फिर माइनस करके कितना हो गया, 5। फिर ऊपर गया, 5 जी ग्रेटर है 1 से, फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, 5। ये फिर माइनस किया इसने, कितना हो गया, 4 4। फिर ऊपर 4 गया, 4 ग्रेटर है 1 से, 4 प्रिंट हो जाएगा। जी फिर यहाँ आया, फिर माइनस हुआ, कितना हो गया, 3। फिर ऊपर गया, 3 ग्रेटर है 1 से, तो क्या प्रिंट हो गया आपका, 3। फिर इधर यहाँ पे आया, फिर माइनस होके 2 हो गया, फिर ऊपर गया, 2 ग्रेटर है 1 से, तो क्या प्रिंट हो गया आपका, 2। फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे माइनस 1 हो गया, 1 ग्रेटर नहीं है लेकिन क्या है, इक्वल तो है, इक्वल तो है, बस जी इक्वल है इक्वल है, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 1। फिर यहाँ माइनस होके कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू, 0। 0 क्या 0 ग्रेटर है 1 से? नहीं अच्छा, क्या 0 बराबर है 1 के? जैसे नहीं ही कंडीशन फॉल्स होगी उसके बाद कुछ नहीं चलेगा, ये बस सीधी ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, देखिएगा, देखते हैं हमारा आउटपुट ये आता है। ये अलग टाइप का है थोड़ा ओके हाँ, ये हमने रिवर्स से प्रिंट किया ना, सीडी कोड, सीडी कोड, सिचुएशन फाइल जी सी सी एग्जाम्पल 4.c, फिर वही आ रहा है, फिर वही आ रहा है, इसको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। देखिए कोडिंग के लिए और एप्स हैं हाँ, बहुत ऐप्स हैं, करूँ बताऊंगा जी, है देखिए 10, 9, 8, 7, समझे? ओके, अच्छा, अब मैं चाहता हूं, देखिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे 1 है, क्या हो गया,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि जैसे मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सभी को हम ऐड करना चाहते हैं। कैसे? 1 को 2 में ऐड करो तो कितना आएगा आंसर? 3 आएगा। 1 को अगर 2 में ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 3। और 3 को 3 में ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 6। 6 6 को 4 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 10। नहीं, 10 ही तो आएगा नाइन, ना भाई। 6 को 4 में करिए सिक्स ना आप। और 4 9 सिक्स और फोर प्लस करके तो 9 आता है आंसर। अरे जोड़ना, 6 और 4 ऐड करना। सिक्स और फोर 10 नहीं होता क्या? नहीं। अगर आप 10 को 5 में ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 15। क्लियर? 15 को 6 में ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 21। 21 को अगर आप 7 में ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 28। 28 को 8 में ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 36। 36 को 9 में ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 45। 45 को 10 में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 55। कहने का मतलब हमारा 1 से 10 तक अगर आप नंबर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 55 आता है। कितना आता है? 55। अब हमें ये चीज प्रिंट करना है, ये इसका हमें कोड बनाना है। देखिए कोड कैसे बनेगा। हमने लिया एग्जाम्पल 5.c। मैं कोड को बना रहा हूं, समझने की कोशिश अपना आप करना क्या हो रहा है कोड में। नहीं आया तो मैं समझाऊंगा। इंटीजर के अंदर सम की वैल्यू यहाँ पे पहले 0 लेना पड़ेगा। प्रिंट के अंदर हमने एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1, फिर हमने एक व्हाइल लूप लगाया। एक्स लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे कहाँ तक चलेगा आपका? ये 10 तक चलेगा बॉडी। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट ऑफ किया। प्रिंट ऑफ में यहाँ पे परसेंटी सिलेशन यहाँ पे आपका एक्स प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सम इक्वल्स टू सम प्लस यहाँ पे एक्स हो जाएगा। उसके बाद में हमने क्या करा, एक छोटी सी लाइन दे दी सम के लिए प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे आपका स्लेस एन। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट ऑफ, और प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे परसेंट डी कॉट कॉमा यहाँ पे आपका सम। इस कोड को आप एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जब 3 छोटा है 10 से तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 3। 3 प्रिंट होने के बाद में पिछली सम की वैल्यू 3 है, और 3 और 3 प्लस कितना हो जाएगा? 6। इस बार सिक्स सम कितना हो गया? 6 हो गया ना। एक्स लास्ट टाइम कितना था? 3। प्लस होकर कितना हो जाएगा? 4। 4 छोटा है 10 से, ट्रू। ट्रू तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 4। अच्छा, 6 में अगर 4 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 10। टेन और 4 में 1 1। अरे रे रे रे, क्या हो गया? रिलैक्स, पानी पानी सॉरी वानी देने के लिए है कोई आसपास में? नहीं, पानी यहीं पे रखती हूँ मैं। अच्छा, अब ये 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, क्या 5 छोटा है 10 से? 5 छोटा है 10 से, तो यहाँ पे अब क्या प्रिंट हो जाएगा? 5। 5 के बाद अब यहाँ पे 5, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। जी 15 के बाद यहाँ पे प्लस होके वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। 6 छोटा है 10 से, तो 6 प्रिंट हो जाएगा। 6 के बाद अब 15 में 6 ऐड करेंगे तो 21। अब 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 7 7 छोटा है 10 से, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 7। 7 इसके बाद इसमें 7 ऐड होके कितना हो जाएगा आपका? 28। ये 8 हो जाएगा। 8 छोटा है 10 जी से, तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा आपका? 8। गुड। उसके बाद यहाँ 28 में ऐड करेंगे 8,
तो आंसर कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 छोटा है 10 से, तो 9 प्रिंट हो जाएगा, और 9 के बाद इसमें ऐड करेंगे 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, 45। उसके बाद 45 के बाद जब 9 से, ये कितना हो जाएगा, 10। 10 इक्वल है 10 के, तो 10 प्रिंट हो जाएगा, True. ट्रू। और इसमें प्लस 10 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 55। और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अब क्या 11. 11 छोटा है 10 से? नहीं. नहीं, 11 बराबर है 10 के? नहीं, 1 2 3 तो प्रिंट होके आएगा ही, लेकिन सम की वैल्यू, अब देखो सम मेरा कितना है, 55 है ना, जी. तो सम कितना होगा, 55 प्रिंट हो जाएगा। देखिएगा, दिखाता हूँ आपको, चेक करिए। जी 1 2 3 और इनका सम आ गया 50। थोड़ थोड़े से लेवल और बढ़िया, प्रैक्टिस की ये जरूरत है इसको। बिल्कुल, ये वाले तो बिल्कुल डिफरेंट है जो आज हुए. ये इस पे आपको कम से कम, ये पता कब आपको, आपको 3 4 दिन में और अच्छे से समझ में आएगा, अभी तो मुश्किल से मुश्किल 10% समझ आएगा। हाँ नहीं, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा ये भी. समझ आया इतना? बस ये याद रखना, लूप का काम होता है किसी भी चीज को बार बार प्रिंट करना, कोई भी स्टेटमेंट होगा उसको बार बार रिपीट करना, लेकिन वो जब तक करेगा जब तक यहाँ पे ट्रू है, जब तक यहाँ पे क्या है, ट्रू ट्रू है। है. एक और क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट के कोडिंग्स में जब ट्रू होता था तो वहां पे रुक जाता था, ये उल्टा हो रहा है कि इसमें जब फॉल्स हो रहा है तब रुक रहा है ये. हाँ, ये फॉल्स होने पर स्टॉप हो जाता है। हाँ ये उल्टा हो रहा है ना. फॉल्स होने पर स्टॉप हो जाता है। रुको, मैं कोड भेज देता हूँ, इतना बहुत है आज के लिए तुम्हारे लिए। हाँ ये छोटे छोटे हैं बट बहुत ज्यादा बारीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, दो क्वेश्चन कराए आज मैंने आप। ये मैंने आपको सेंड कर दिया, ठीक है, अगर आप ओके. इन्हें टर्बो में चलाएंगे तो टर्बो में बहुत इजीली चल जाएगा। चल जाएंगे. टर्बो में एक बार ट्राई करके देखेगा, टर्बो में बहुत इजी चलेगा ये, ओके ठीक है। ओके. ओके ओके।